इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IAST। हाँ जी, आपको मैं कहानी बताता हूँ। अब बचपन से अब तक जब तक हम बड़े हुए ना, घर वाले यही बोलते हैं हमको, घर वाले यही बोलते हैं, अरे ये काम तुझसे नहीं हुआ, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, ये काम तुझसे नहीं हुआ, अरे ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं, ये बहुत आसान है, इसका मतलब रॉकेट साइंस बहुत मुश्किल है। हाँ जी, बहुत मुश्किल है रॉकेट साइंस। वैसे तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये, लेकिन फिर भी सपली आ जाती है रॉकेट साइंस के अंदर। अब किसी ये इसरो ने क्या किया वैसे, ये IAST क्या है और ये इसरो के साइंटिस्टों का क्या विजन है और इसको स्टार्ट कैसे किया और आप एक मिसाइल इंजीनियर कैसे बन सकते हो। हाँ जी, ऑब्वियसली फ्यूचर बहुत बड़ा होने वाला है इस इंडस्ट्री का। एविएशन सेक्टर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वैसे इलोन मस्क का नाम तो आपने बहुत सुना है, आजकल बहुत रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, इंडियन स्पेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं। अब कैसे ये IAST की शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। हाँ जी, वैसे 2007 के अंदर IAST को स्टार्ट किया गया, उससे पहले बहुत मेहनत की हमारे देश के साइंटिस्टों ने। अब एक हमारे जो है इसरो का सेंटर हुआ करता था बेंगलोर के अंदर, और वो क्या होता था कि हमारे पास साइंटिस्टों की बहुत कमी होती थी, अच्छे साइंटिस्टों की, तो जो भी साइंटिस्ट होते थे उनको ट्रेंड किया जाता था। हाँ जी भैया, एरोस्पेस पढ़ाया जाता था, एरोनॉटिकल पढ़ाया जाता था, मिसाइल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी। कोई जो है इंजीनियरिंग करके आ रहा है, अब कोई कौन सी इंजीनियरिंग, कोई PhD कर रहा है, बाहर से फॉरेन से लोग बहुत कम आ रहे थे और जो भी आ रहे थे नासा उनको कैप्चर कर लेता था। नासा को कोई दिखा भैया एरोस्पेस के, उसने उठा लिया उसको, अब हाँ भैया तू आ जा मेरे पास, तेरे को मैं इतना ज्यादा पैकेज दूंगा। हाँ जी, हमारे जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे ना, उनको भी ऐसे ही किया गया, तू मेरे पास आ जा, तेरी सैलरी डबल कर दूंगा, तेरे मैं यहाँ पे सुंदर लड़के से शादी भी करा दूंगा। अब तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फंस जाते भैया, हमारे देश के अंदर कौन आएगा। वैसे हमारे देश में MIT हुआ करता था, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब जो कि एरोनॉटिकल की बहुत अच्छी स्टडी कराया करता था। प्राइवेट सेक्टर में कोई प्लेयर ही नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ कुछ इंस्टीट्यूट, वैसे बाद में IIT जिन्हें भी एरोस्पेस को स्टार्ट किया। तो ये इसरो वाले क्या करते थे, इसरो ने बहुत सारे साइंटिस्टों को ट्रेंड किया एरोस्पेस के बारे में, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा था, वो अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। किसी ने इलेक्ट्रिकल पढ़ा है, वो 2 साल तक ट्रेंड करे, लेकिन उन्होंने प्योर फिजिक्स पढ़ी है, किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी है, उनको वो मिसाइल इंजीनियरिंग कैसे समझ आएगी, रिजल्ट मिल नहीं रहा था। अब तो उन्होंने क्या विजन देखा कि हम जो यूथ को टारगेट कर रहे हैं। हाँ जी, अब यूथ को अगर पढ़ाएंगे, उनको पहले से पता था बहुत बड़ा बनेगा ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनेगी और देश को अगर आगे लेके जाना है तो सिखाना पड़ेगा। पहले मैन्युअली ट्रेंड किया, अपने सेंटर्स पे साइंटिस्टों को सिखाया, बच्चों को सिखाया। सन 2007 के अंदर ऑफलाइन सेंटर, पहले तो इसरो के सेंटर्स के अंदर ही सिखाया जा रहा था। हाँ जी, 2007 के अंदर एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए तिरुवनंतपुरम के अंदर IAST का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसरो के जो साइंटिस्ट थे उनको डायरेक्टर बनाया गया, काफ़ी सालों तक उसको उन्होंने अब रन किया। उनका विजन क्या था, उनका विजन यह था कि अच्छे साइंटिस्ट हमको बनाने हैं और इसरो के अंदर ही उनको रखना है, बाहर नहीं जाने देना। हाँ जी, तो उन्होंने एक पॉलिसी लगाई, क्या पॉलिसी लगाई, अब कि मैं तुमको जो बहुत कम कॉस्ट में पढ़ा दूंगा, हाँ जी तुमको मैं बहुत कम कॉस्ट में पढ़ा दूंगा, लेकिन तुमको कम से कम 3 साल मेरे साथ काम करना पड़ेगा, अगर तूने काम नहीं किया मैं तेरे पर बहुत बड़ा फाइन लगाऊंगा भैया, तेरे को मेरे को जो है 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और जब भी कोई BTEC करता है तो वो सोचता भैया 15 लाख कहाँ से लेकर आऊँगा, अब इसरो की गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, डोले सोले अच्छी जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, तो इसरो के अंदर भी झुक जाता हूँ। वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, और उनको लगता है कि लड़का ठीक है, अब बहुत अच्छा काम करेगा, देश के लिए इसरो में कंट्रीब्यूट करेगा, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उनका ये मिशन नहीं था कि हमारे यहाँ पे इनको इसरो के अंदर ही रख लेंगे, उनका ये काम था, उनका उनके पास और कोई चारा नहीं था, अच्छे साइंटिस्ट लेकर कहाँ से आए, इसलिए वो उन्होंने एक तकलीफ निकाली कि इन बच्चों को ही देश का भविष्य बनाएंगे और यही हमारा एक बहुत बड़ा सहारा बनेगा।